नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल SP जीवन मंत्रा में। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात में जो आज आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप उसे ठीक तरीके से फॉलो करते हैं, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप उसे ठीक तरह से अपने जीवन में उतारते हैं, तो दोस्तों जो चाहेंगे आप, जैसा चाहेंगे, जिसे चाहेंगे, वो आपको वो मिलेगा। ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये फील किया हुआ है, ये पूरी तरह से आजमाया हुआ है। दोस्तों यदि आप किसी पर्टिकुलर खेल के, या आप सोचते हैं, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, या वॉलीबॉल खेल, कोई भी खेल खेल रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूं, इस खेल का महारथी बनूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फील लाना होगा कि मैं इस खेल का बहुत बड़ा महारथी हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। आपको वाइब्रेट वैसा ही उत्पन्न करना होगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ये सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो पहले खुद को उस विषय में सोचना होगा कि मैं जो है इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पुरुष हूँ, मैं सबसे खूबसूरत पुरुष हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। पहले खुद के अंदर वो फीलिंग लानी होगी। तो दोस्तों आपको अपने मन में, अपने स्वयं के मन में पहले इस चीज़ को, वो वाइब्रेशन, वो वाइब्रेट उत्पन्न करना होगा। आपको खुद ही ये सोचना होगा कि मैं ऐसा हूँ, तो आप देखेंगे धीरे धीरे। आप यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको सोचना होगा कि मैं बड़ा हूँ। आप देखेंगे धीरे धीरे वैसे ही लोगों के साथ आपके, देखेंगे कि वैसे ही लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही लोग आपके जो है संपर्क में आ रहे हैं। आप जैसा वाइब्रेट उत्पन्न करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सीधा सा नियम मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसा खुद के अंदर वाइब्रेट उत्पन्न करेंगे, आप जैसा खुद को, सिर्फ आपको अपने बारे में ही वैसा सोचना है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि सोचते हैं कि बहुत बड़ा, यदि कोई आदमी है बहुत बड़ा, उसके पास कार है, उसके पास ये है, तो आपको खुद के बारे में ऐसा सोचना है, खुद के बारे में ऐसी वाइब्रेट उत्पन्न करनी है। दोस्तों आप देखेंगे धीरे धीरे वैसे ही लोग आपके सोसाइटी में आपके साथ अट्रैक्ट होते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा नियम है ये, सिर्फ उसी हिसाब से खुद को बारे में, खुद के बारे में आपको उस तरह से सोचना है जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो आपको खुद के विषय में भी ठीक उसी तरह सोचना है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। आप देखेंगे कि आपके फेसबुक अकाउंट पर, आपके ट्विटर अकाउंट पर, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, आपके यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे वैसे ही लोगों का जो है वो ग्राफ बढ़ता जाएगा। वैसे ही आपके इंस्टाग्राम पर वैसे ही लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके ट्विटर अकाउंट पर भी आपके फॉलोअर उसी तरह मिलेंगे आपको, आपके यूट्यूब पर भी आपको उसी तरह लोग मिलेंगे, आपके फेसबुक पेज को भी उसी तरह लोग लाइक करेंगे। आप दोस्तों आप देखेंगे कि आपके फेसबुक फॉलोअर भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से उसी कैटेगरी के लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों बहुत कुछ हमारे आसपास के, हमारे हाव भाव के, दोस्तों उस बहुत कुछ हमारे जीवन पर असर पड़ता है, हमारे आसपास पड़ोस के लोगों का भी, जिस माहौल में हम रहते हैं। तो दोस्तों आप खुद को जिस हिसाब से अट्रैक्ट करेंगे, आप अपना वाइब्रेशन, वाइब्रेट जिस हिसाब से आप बनाएंगे, उसी हिसाब से आपको लोग मिलेंगे। यदि आप सोचते हैं लोग हमको सम्मान करें, तो आपको अपना सम्मान, दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि आपका कोई भी सम्मान करे, समाज आपका सम्मान करे, तो आपको पहले अपना सम्मान खुद करना होगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं, लोग कहें कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो आपको खुद के अंदर वो वाइब्रेट उत्पन्न करना पड़ेगा। आपको खुद सोचना होगा कि मैं बहुत सुंदर हूं। आप जैसा सोचेंगे, जैसा वाइब्रेट उत्पन्न करेंगे, वैसा
दोस्तों एक सीधा सिंपल सा नियम आज मैंने आपको बताया कि आप जिस हिसाब से सोचेंगे, जैसा वाइब्रेट खुद के अंदर उत्पन्न करेंगे, आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग, आपके समाज के लोग भी आपके विषय में वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके लोग सम्मान करें, तो पहले आप अपना खुद का सम्मान करिए, खुद आप अपना सम्मान करिए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको लोग बहुत हैंडसम कहें, आपको एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति कहें, आप तो आपको खुद के अंदर ये फीलिंग लानी होगी, खुद को ये सोचना होगा कि मैं एक बहुत ही हैंडसम हूँ। तो दोस्तों ये था एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही सरल सा नियम। तो दोस्तों का आशा करता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये साधारण सा नियम आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।